Human Rights Certificate course. Today we have with us Dr. Lenin Narumushi, Human Rights Activist. आपको मालूम है कि हमारे विभाग ने मानवाधिकार पर एक कोर्स शुरू किया जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम आशा करते हैं आज ये पहला दिन है इस कोर्स का एक उद्घाटन के रूप में समा रहा है और हमने वक्ता जो चुने वैसे चुने जिन्हें इस क्षेत्र का एक व्यवहारिक ज्ञान हो तो इसके दोनों पहलू हैं मानवाधिकार के सैद्धांतिक भी हैं जो पुस्तकों में है और एक व्यवहारिक की जमीनी स्तर पर इसके बारे में क्या क्या काम हो रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूँ सर आपका इस कार्यक्रम और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूँगा हमारे विभागाध्यक्ष हमारे संकाय सदस्य और हमारे मुख्य अतिथि से भी महासचिव सचिव को कुछ पर्व कार्यक्रम को शुरू करें ह्यूमन राइट्स अवार्ड और मैं सर का परिचय इससे भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि सर निरंतर रूप से ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं और मैं बिना किसी देरी के निवेदन करूंगा सर से कि आप क्योंकि हमारा पहली बार इस कोर्स को शुरुआत करने का एक अनुभव है हमको क्या क्या इसमें करना है ह्यूमन राइट्स के बारे में किस प्रकार के दृष्टिकोण होने चाहिए इसका अर्थ क्या है तो मैं सर से निवेदन करूँगा कि सर आप हमसे अपने विचार साझा करें मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एनजीओ सेक्टर से बहुत सालों से जुड़ी हुई थी मैं जानती हूँ कि सर का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था तो बनारस की जो ह्यूमन राइट्स है बनारस को ह्यूमन राइट्स की पूरा जो सिनेरियो है इंटरनेशनल सिनेरियो उसमें उन्होंने उसको रखा है यहाँ पे उपस्थित गुरुजन क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो गोविंद दोखे काके लागो पाओ और भले आने जो आप लोग गोविंद जी को तो ये हमारा इंडिजिनियस विजडम है तो उनको पहले बहुत बहुत सादर अभिवादन और सभी हमारे जो साथी क्योंकि हम हमेशा स्टूडेंट को अपना साथी मानते हैं क्योंकि उन्हीं के अंदर वो ताकत है जो देश को या दुनिया को या समाज को बदल सकते हैं तो आप सभी लोगों को हार्दिक मैं दो चीज़ों की बातचीत करना शुरू करूंगा अगर आप देखने की कोशिश करें कि जो दुनिया में घटी है मोटा मोटी अभी तो ग्लोबलाइज दुनिया हो गई है
फिर भी काफ़ी चीज़ें बटी हैं, तो जो बटी है एक पश्चिमी दुनिया है, पश्चिमी दुनिया में एक क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी चीज़ को तर्क के आधार पर समझने का एक तरीका है, साइंस के आधार पर, विज्ञान। दूसरा जो हमारी पूर्व की दुनिया है जहाँ हम, वो पूर्व की दुनिया में एक हमारे पास पूरा एक इंडिजीनियस सिस्टम है, देशज ज्ञान है। हमारे गांव का किसान चिट्ठी देख के बता सकता है कि बारिश होने वाली है, दुर्भाग्य है कि वो ज्ञान खत्म होगा। और ये भी देखने की कोशिश कीजिएगा दुनिया में जो कुछ अंतर विरोध चल रहे हैं उसमें एक बड़े अंतर विरोध की तरफ आपको इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मानवाधिकार के वो भी अंतर विरोध और तीखे हो कैसे हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पूरे एशिया में बड़े धर्म पैदा होते हैं, एरुसलम में, मक्का और मदीना में, भारत की देवभूमि में जो है, ईरान के आसपास के इलाकों में जो है, ये पैदा होते हैं। यही इंडिजिनस विज़न। और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ह्यूमन राइट्स आया कैसे, क्योंकि जो आज भी यूरोप युद्ध कर रहा है, यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं और उनकी त्रासदी आप देख रहे हैं, दो विश्व युद्ध कर चुके थे, दूसरा विश्व युद्ध जब हिटलर कर रहा था तो हिटलर के युद्ध के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और 1948 में एक बनता है यूएन डिक्लेरेशन, जिसमें 30 आर्टिकल्स हैं जिसको आप गीता, बाइबल, कुरान जो भी कहें, वो फाउंडेशन है ह्यूमन राइट्स का, चाहे वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में बदलता है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट मोस्टली जो है अमेरिकन ब्लॉक्स ने यूज़ किया, और सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के जमाने में कोल्ड वॉर में USSR के लोगों ने इस्तेमाल किया। मैं इन अंतर विरोधों की तरफ बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि हम और आप जो भारतीय हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए मानवाधिकार को लेकर, ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि मानवाधिकार एक राजनीति भी है, मानवाधिकार एक एजेंडा सेटिंग भी है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है जो है, क्योंकि मानवाधिकार डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा है, डिप्लोमेसी के रूप में इस्तेमाल किया गया है जो है, तो इसलिए उसको भी समझना बहुत जरूरी है। 1948 में एक और घटना भारत में हो रही थी कि हम आजाद हो रहे थे, हमारे आजाद होने से पहले हमारे मुल्क के दो हिस्से कर दिए गए, एक को पहले आजाद कर दिया गया और एक हमारा मुल्क जो है इस हिस्से में दिया गया, और उसी समय हमारे राष्ट्रपिता की हत्या भी होती है। और जो करने वाले लोग हैं, आप सोचो काशी कितनी महत्वपूर्ण चीज है। मैं बचपन में बहुत जातिवादी आदमी था, बहुत पैट्रियार्कल आदमी था, आप डेविल्स कह सकते हैं, गाँव मेरा धरोहरा है चौधरीपुर के पास, कभी नाम सुने होंगे, तो हम लोग किस तरह के यूथ रहे होंगे आप समझ सकते हैं, आप तो हमसे बहुत अच्छे यूथ हैं, तो हम अपनी बचपने के बारे में सोचते हैं कि बदले, इसका मतलब रिकॉन्सिलेशन होता है, कन्फेशन होता है, लोगों में रिफॉर्म होता है, इसलिए जो रिफॉर्म्स का अप्रोच है ये इंडिजिनियस विजडम है, ये भारत की परंपरा है, थोड़ी बेहतर जाती है तो ये एशिया की परंपरा है, हम ही नहीं बात करना सीखे बल्कि रसूल मोहम्मद साहब जब मक्का फिर से फतह करते हैं, मदीना से आते हैं तो मक्का में किसी से बदला नहीं लेते, और मदीना में मदीना कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम उनसे ज्यादा डाइवर्स रहे, हमारे यहाँ जो आया भारतीय हुमायूं, अरे बाबर, अपने बाबरनामा में लिखता है हुमायूं को, मुझे पता चला है कि अगर 3 पीढ़ियों तक रहे तो यहाँ लोग अपना बासिंदा मान लेते हैं, तो मुझे शपथ दो कि 3 पीढ़ियों तक इस हिंदुस्तान जो अल्लाह की बनाई सबसे खूबसूरत धरती है उससे बाहर नहीं जाओ। दूसरी शपथ देता है क्योंकि अब हम यहाँ बसने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गाय को सम्मान करें और गाय के मांस का कभी भी आहार के रूप में इस्तेमाल नहीं करें। तीसरी बात कहता है कि हमने बहुत सी मूर्तियां तोड़ दी है जो नग्न थी, आपको पता है हमारे यहाँ जैन धर्म भी है दिगंबर और स्वतंबर, उसने कहा कि ये जो मूर्तियां हैं इनके फरिश्तों की हैं, अभी हमारे फरिश्ते हैं, इनका सम्मान करना शुरू। सनातन की इतनी ताकत थी, इस धरती की देवभूमि की इतनी ताकत थी कि इसने सबके थॉट प्रोसेस को बदल दिया, डाइवर्स कर दिया। यहाँ पे कभी कहते हैं
यही बगल में को हिंदू को सुधा एक चांद एक गुदा हिंदू को में राम किया तुरक रहाना आपस में दो नगर मुंह मर्म को जाना कि कभी रैदास से नाई के साथ कोई बॉब लिंचिंग नहीं। रामानुजाचार्य को अपना गुरु बनाने के लिए पंचगंगा घाट पर जाते हैं, उनको कलकत्ता में अक्षुत छुआ गया तो वो कहते हैं राम राम, वो राम को ही अपना मंत्र मानते और उनका मंत्र राम ही रहता है। ये हमारे इंडिजीनियस सिस्टम है क्योंकि हमने घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया, बुद्ध ने कहा हमने घृणा को हमेशा प्रेम से खत्म किया। और जीसस क्राइस्ट से 500 साल पहले यही बुद्ध ने पहला जो है धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया, जैसे पत्तन जो है ये हमारी मानव अधिकार की परंपरा है। मानव अधिकार की हमारी परंपरा है, महोपनिषद में लिखा है कि तू मेरा है वो तेरा है, यह सोचने वाले छोटे चित्त वाले हैं हम सनातनी पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है। शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ में आगमन की को हम इसलिए विरोध करते हैं कि गार्गी और कैथरी को हथियार भी मान लेते हैं, औरतें शास्त्रार्थ में शामिल होती है। ये जो परंपरा और फाउंडेशन है, ये परंपरा और फाउंडेशन एक वास्तव में हमारे मानव अधिकार के मानते हैं, हम इंसान को इंसान मानते हैं, हम बहुलतावादी हैं, समावेशी। तब तो गोरखनाथ कहते हैं हिंदू कहे देवरा, देवरा माने मंदिर, हिंदू कहे देवरा और मुस्लिम कहे मस्जिद और जो भी कहे परमधाम न देवरा न मंदिर। साख की पूरी एक परंपरा है, अघोर की अपनी एक परंपरा है, जो है महादेव की पूरी एक परंपरा है, पर वहां भी अंतर विरोध है, इसको समझिए। मैं उस अंतर विरोध पे ले माँ सती शादी करती हैं महादेव से, उनका अपमान होता है और वीरभद्र करके ये एक्चुअली जो कोतवाल जी है ना ये वीरभद्र के सुन वीरभद्र बन करके दक्ष प्रजापति का वध कर देते हैं। दक्ष प्रजापति एक थॉट प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशन बनाने वाला, लूटने वाला, अपने को श्रेष्ठ कहने वाला, अपने को उत्कृष्ट कहने वाला। और दूसरी परंपरा एक महादेव की परंपरा है जो कहता है कि सब बराबर है, उसकी बरात में सब सब बराबर है। और यही नहीं, काली जी की मूर्ति को देखिए ध्यान से, सभी जो सर देख रहे हैं जितने भी सर दिखाई दे रहे हैं किसी औरत के सिर नहीं है, पुरुषों के सिर है। कितनी पुरानी 15वीं शताब्दी में भी अगर आप चले जाओ कि 15वीं शताब्दी से साथ पूजा चलिए जो हम लोग करते हैं मेरे के साथ है, तो 15वीं शताब्दी में हम एक फिलॉसफी दे रहे हैं कि जितने पुरुष का दिमाग है वही युद्ध करता है। इससे बड़ी पैट्रियार्की की क्या समझता भी है, उनकी उंगलियां और उनके सिरों को अगर कंट्रोल कर लो और महादेव उनके पैर के नीचे, मतलब पुरुषों का अहम माँ के जब पैर के नीचे जाएगा तभी जो है युद्ध खत्म होगा। अब इस पर पॉलिटिकल साइंस में बड़े बड़े रिसर्च हुए आयरलैंड में, आयरलैंड में आप चले जाइए, आयरलैंड में महिलाओं ने दबाव बना करके जो है क्या किया, युद्ध को खत्म किया, दोनों तरफ दबाव बनाया। अभी इसमें बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप लोग करते हैं जो है आप लोग कर रहे हैं, परंतु इससे पहले 15वीं शताब्दी में हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है। अष्टांगिक मार्ग की बुद्ध बात करता है जहाँ सम्यक आजीविका की बात करता है, सम्यक दृष्टि की बात करता है, सबको शामिल करने की बात करता है, ये हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है, डायवर्सिटी। परंतु एक और थॉट प्रोसेस था यूरोप का जिसने विश्वयुद्ध कराया था, उसी की हिटलर और मुसोलिनी की बात मानने वाले आकर के मॉब लिंचिंग भी करते हैं और गांधी जी की हत्या भी करवा देते हैं और गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज भी मिले। ये अंतर विरोध है, नोबेल पीस प्राइज को माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उनके देखने का एक दृष्टिकोण था। हम अपने मानव अधिकार को अपनी लोकल थिंकिंग के हिसाब से देखते हैं, अपनी परंपरा के हिसाब से देखते हैं। आप लोग सब लोग नहाते हैं, आप सब लोग सफाई करते हैं, पर सफाई करने का मतलब ये तो नहीं कि अपने घर का सब सामान उठाकर फेंक देते हैं। आप जो है गेहूं का खेत साफ करते हैं, जो किसान होता है तो गेहूं नहीं निकालते, घास निकालते हैं। और अगर कोई पानी स्थिर हो जाता है तो क्या हो जाता है, काफी दिन तक स्थिर है तो सड़ जाता है। इसलिए सफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, इसलिए हमने जो है उसमें सफाई नहीं की और गंदगी पर ही कुछ लोग जो है अपमान करने लगे
और हमारी असली चीज जो थी, खूबसूरत चीज थी, उत्कृष्ट चीजें थी, वो जो है उस कूड़ा करकट में छिन गई। तो हमको सफाई करनी है। औरत आदमी के फर्क का जो है कोई पाणिनिबद्ध व्याकरण में मनुस्मृति आई, तो हमको औरत आदमी के फर्क का जो है सफाई करनी है। पाणिनिबद्ध व्याकरण की बात को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यही राम संस्कृताय ने कैसे हराया था आपको बताएंगे। राम संस्कृताय ने पूछा कि गंगा जी को कौन लाए, तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का कीर्तन थी, तो कहा कि गंगा जी को भागीरथ लाए। कहा भातु हरिश्चंद कहाँ बिके हैं, कहा गंगा जी के किनारे। आपको पता है कि दिलीप, भागीरथ, राजा हरिश्चंद, ये सब वंशियों की वंशावली में, हमारे खानदान में जो वंश था उसमें पैदा हुए हैं। कई पीढ़ी पहले भारतीय हरिश्चंद पैदा होते हैं भागीरथ से। तो पूछते हैं काफी से जिन्होंने महापंडित उनको उपाधि दी कि इसका बताओ भगत क्या है। तुम्हें पता है भारतीय हरिश्चंद जो है भागीरथ से पहले पैदा हुए थे, भागीरथ गंगा जी लाए थे कि यहाँ बिके थे, लोग अस्तब्ध हो गए क्योंकि हमने भी गलत किया था, गंगा जी को माँ को भागीरथ लाया था। और आदि गंगा का नाम पुराणों में गोमती का है, जो गोमती जी जाके मिलती है गंगा जी से, कहती है यहाँ मार्कंडेय महादेव है, मार्कंडेय पुराण लिखा गया है, तो वहां पर हरिश्चंद बिके जो है गंगा के बाहर तब एक काशी बसी है। इसलिए अभी हम कार्बन डेटिंग जो कर रहे हैं 80-800 साल से पुराना नहीं मिल रही है, राजघाट 2500 साल पुराना, पर 3 लाख साल पुराना जो है कैथी मिल रहा है। काशी थी, काशी थी, कैथी कैथी, काशी को भस्म कर दिया था यहाँ के राजा ने जब ललकारा था कृष्ण ने। तो ये जो है समझने की जरूरत है, काशी कभी खत्म नहीं, पर काशी की परंपरा बहुलतावादी है, समावेशी है, नहीं तो कबीर और रैदास 600 साल पहले उनकी तो हत्या हो जाती। औरतों को इज्जत देने वाली 15वीं, हमने जो गलतियां की थी 15वीं शताब्दी में साख ला करके मां काली का जो स्वरूप आया उसने बताया कि मर्दों को अपना अहम महादेव से मान हो गए नहीं है, हमारा महादेव से मान को है नहीं, तो हमको अपना ईगो डाउन करना है, गो डाउन करना है, मां मातृपूजा है, हमें मां को इज्जत देनी है, स्त्रियों को इज्जत देनी है। तो ये हमारा मानव अधिकार का इंडिजीनियस तरीका है, परंतु हम पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, हम उनसे कुछ गलत चीजें भी सीखे हैं, अपनी अच्छी चीजें उनको बता नहीं पाए हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि गांधी जो आंदोलन कर रहे थे सत्याग्रह का, बिना हिंसा के, माओ से तुम, कार्ल मार्क्स हमारे पापा वाले मानने वाले लोग यहां आकर के बंदूक उठवा लिए, गांधी ने कोई बंदूक नहीं उठाया। और गांधी का जो न बंदूक उठाने वाला आंदोलन है वो नेल्सन मंडेला से लेकर पूरी दुनिया में सफल हुआ है। सोचे थे कि 7 दिन में रशिया से कहता कि 7 दिन में यूक्रेन को ठीक कर देंगे, अमेरिका सोचा था अफगानिस्तान को ठीक कर देंगे, वियतनाम को ठीक कर देंगे, हुआ है, वियतनाम से भी भागना पड़ा, अफगानिस्तान से भी भागना पड़ा, और यूक्रेन आप देख लीजिएगा जो है, जबकि बगल में है, इतना पावरफुल है, पर नॉन वायलेंस का मूवमेंट अफ्रीका बदल देता है। नॉन वायलेंस का मूवमेंट मार्टिन लूथर किंग ब्लैक मूवमेंट्स ले आता है, ये गांधी का रास्ता है। गांधी का रास्ता मतलब सनातन का रास्ता, गांधी सनातनी है, सनातन का वैश्व परंपरा का आदमी है, साथ तो स्वयं परंपरा में भी मानव अधिकार की चीज है। कि जब हमारे ऊपर दबाव बना, क्योंकि हम भी संयुक्त राष्ट्र संघ के हिस्से हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सब बराबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के का कन्वेंट भी आए और आपके कल्चरल और सोशल राइट्स के लिए है, परंतु हमारा जो संविधान बना वो पश्चिमी मामला नहीं है। आप बताइए सबसे पहला वेलफेयर स्टेट हिंदुस्तान में किसने दिया, पूरी दुनिया में अशोक, अमर सिंह की आर्गुमेंटेटिव इंडिया पढ़नी चाहिए, उसमें कह रहे हैं कि अशोक पूरी दुनिया में पहली बार वेलफेयर स्टेट देता है, यही तो ह्यूमन राइट्स, पहली बार, और हम उस पर प्राउड नहीं कर पा रहे, कूड़ा करकट पर प्राउड कर रहे। इसलिए मोहन भागवत जी भी आजकल बहुत परेशान है, उनको पुष्पित शुंग को कहना चाहिए था ब्राह्मण होने, एक आदमी की गलती से किसी जात के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई पुरुषवाद के खिलाफ है, पुरुषों से नहीं, हमारी लड़ाई पुरुषवाद के खिलाफ है, उसी जात में पैदा व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ है, किसी धर्म से नहीं। ये बात याद रखिएगा, ये ह्यूमन राइट्स का बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स है जो है,
अपने धर्म में क्या दिक्कतें हैं उस पर हमको शास्त्रार्थ करना चाहिए, सीखना चाहिए, और धर्म के अंदर का या आपके घर के अंदर का जो बदलाव है आपका लड़ा है, बाहर वाला नहीं बदल सकता, बाहर वाला कोई एजेंडा सेटिंग नहीं करेगा, वो हमारा मामला है, वो हम लोग ठीक करेंगे, हम सनातनी ठीक करेंगे। अब पहले लोग हिंदू कहते थे, अब सनातनी कहने लगे, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। इसलिए मानव अधिकार की चीजों को समझने की कोशिश अगर आप करेंगे कि पहला सेकुलर स्टेट किसने बनाया, आप सोचो तुलसीदास जी को इतना लोग बोल रहे हैं उस समय के लोग, हम खुद जो है मतलब 37 साल की उम्र से जो है डी जेंडर होना शुरू, सबसे कठिन लड़ाई थी जी जेंडर होना, अभी भी 15% प्रत्याखल है, ऐसे कैसे कह सकते हैं, खाना हम बनाते नहीं, कपड़ा हम धोते नहीं है, जो है कभी कभी जो है ऊंची आवाज में हम बोल ही देते हैं, तो हम कैसे महान फैमिलिस्ट हो सकते हैं, झूठ खाएंगे, सच बोलना सीखो, यही तो सच की बात गांधी ने कहा और यही सच सनातन है, सच बोलो, सच को पहचानो, जो हो वो समझो, अगर डायग्नोसिस ठीक नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा, हमको पता है मेरी डायग्नोसिस अपनी, मैं अपने को ट्रीटमेंट धीरे 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 ठीक कर सकता हूँ, मुझे कुछ यंग लड़कों ने विदेश से आकर के डी जेंडर प्रोसेस शुरू किया, हमको डी जेंडर भी होना है, डी कास्ट भी होना है, जो है परंतु अगर कोई आदमी फेमिनिस्ट होके पुरुष पे हमला करने लगे, पुरुष बात की जगह, तब उसका विरोध भी करना, उसी तरह से कोई कास्ट का हमला करते हुए किसी ऊंची जात को गाली देना शुरू कर दे उसका भी विरोध करना, सांप्रदायिकता का हमला करते हुए धर्म पर हमला करने लगे किसी के, कला ढहने ये नहीं चलेगा, धर्म का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं लेना देना। इसलिए सावरकर जी ने कहा कि हिंदुत्व का धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है सत्ता कब्जा करने का, तो इसलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, हमको बहुत बुनियादी रूप से ये समझने की जरूरत है कि काशी के अगर आप हैं, काशी की जो परंपरा है बहुलतावादी है, समावेशी है, इज्जत देने वाली है, माँ काली वाली है, दक्ष प्रजापति वाली नहीं, दक्ष प्रजापति वाली नहीं, हमारी एक ही माँ अलग अलग स्वरूपों में बदल जाती है, महादेव बाय देवी नहीं करते, उसके मूल्य है और उन मूल्यों के साथ ही हमको खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप आइए कि जब हमारे ऊपर दबाव हो रहा है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको बता दें, ये तो सैद्धांतिक चीज है, प्रैक्टिकल चीज क्या है कि जब हमारे ऊपर दबाव बना तो हमने ह्यूमन राइट एक्ट बनाया 1993, ये ह्यूमन राइट एक्ट पार्लियामेंट में पास हो, ठीक है, और उस ह्यूमन राइट एक्ट से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है, किसी को भी ये बुला सकते, इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो कोर्ट बनती है उसमें एक अध्यक्ष होता है, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसका एक मेंबर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, उसका एक मेंबर फॉर्मर मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, और फिर उसके बाद जो है सिविल सोसाइटी की, वहां डाइवर्सिटी की लड़ाई है और हर चीज डाइवर्सिटी नहीं हो जाती है, जो लोग डाइवर्सिटी की खिलाफत करते हैं आजकल जुडिशरी में डाइवर्सिटी मांग रहे हैं, तो डाइवर्सिटी कभी क्या है ना, हर चीज एकाएक नहीं बदला जाता है, धीरे धीरे भी चीजें बदलती है जो है, और एकाएक बदलने से कभी कभी विद्रोह और हिंसा भी हो जाती है, तो हमको उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, तो इसलिए क्या है कि हमको चीजें बदलनी भी चाहिए। अब क्या हुआ कि ह्यूमन राइट कमीशन में आपका रजिस्ट्रार होता है, लॉ डिवीजन होती है, रजिस्ट्रार की ताकत सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के बराबर होती है, उसका एक महासचिव होता है एक IAS, जिसकी ताकत कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कैबिनेट सेक्रेटरी बने, इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बिना दांत का है बहुत पावरफुल है, अगर वो कुछ करना चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं, परंतु आप याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं तो स्टेट से बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो हम नॉन स्टेट हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम किसी पाप किसी चीज को देखें, और इस बात को गीता ने कहा कि अगर आप किसी अन्याय को देख करके चुप रह जाते हैं तो आपसे बड़ा अन्याय कोई नहीं, और यही जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में है संविधान में कहते हैं, ये पूरा का पूरा संविधान जो है एक तरफ जो है वेलफेयर स्टेट अशोक का था और दूसरी तरफ जो किसने अकबर ने, अकबर का नाम जलालुद्दीन था, जोधाबाई कभी वो नहीं बनी और माँ दुर्गा आ गई थी महल में है,
और जो है अकबर ने जब जजिया कर खत्म किया तो लाखों हिंदुओं ने और सनातनियों ने जोधाबाई के नेतृत्व में उसको अकबर की उपाधि दी। अकबर अल्लाह के 99 नामों में है, अल्लाह के बराबर महान जलालुद्दीन को घोषित किया गया और वो स्टेट सेकुलर हो गया। और जब मौलवी लोग पहुंचे कट्टरपंथी, कही गई आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि किसका राज है, कहा जलालुद्दीन का, तुम किसका राज देखते हो, अल्लाह का, कहा अल्लाह का राज जो है मतलब मस्जिदों से देखा जाता है, जलालुद्दीन का राज मैं देखता हूं। ये था पहला कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म। कभी हम लोग बातचीत करेंगे बड़े प्रिंसिपल से, कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म, एब्स्ट्रैक्ट सेकुलरिज्म। एब्स्ट्रैक्ट सेकुलरिज्म माने धर्म को एकदम अलग कर देना। हम धर्म को एकदम अलग नहीं कर सकते, हम धर्म सद्भाव वाले लोग हैं, हमारे लिए धर्म एक बड़ी ताकत है, हमारी इंडिजिनस विजडम, इसलिए हम कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म वाले लोग हैं। जो है जैसे कोई कह रहा है कि भाई हम पूजा वाले का विरोध कर रहे हैं, तपस्वी है, समझ रहे हैं, या हम कह रहे हैं दक्ष प्रजापति वाले हैं, हम महादेव वाले हैं, क्योंकि हम वहीं से सीखते हैं, हम वहीं सीखते हैं, हम अपने धर्म नहीं छोड़ सकते। हमारे धर्म में मानव अधिकार और लोकतंत्र की वो अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम से लेके शास्त्रार्थ से लेके स्त्रियों के सम्मान से लेके चीनी रही, और जो गड़बड़ियां की है जिन्होंने, हम उनका प्रतिरोध करते हैं। तो हम आपको जो है एक तरह से आप देखने की कोशिश करें कि हमने वहीं से अपनी आजादी की लड़ाई से ये बनाया। ह्यूमन राइट कमीशन में आप शिकायत कर सकते हैं, उसका आप जाएंगे NHRC डालेंगे NHRC.NIC.IN, वहां ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। परंतु स्टेट का क्या रोल है उसको दिखा दे, स्टेट कुछ कर रहा है कि नहीं, समझ रहे, अगर स्टेट नहीं कुछ कर रहा है तो आपको नहीं कर सकते। तो ये एक चीज है, और आपको ये अगर कोई सवाल अगर आप पूछेंगे तो हम लोग और भी बातचीत जो है, हमने आपको कुछ प्रोवोकिंग थॉट प्रोसेस दिया है जिससे कि आप पूछ सके। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ये याद रखिएगा, वहां आप शिकायत कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं डायरी नंबर के थ्रू जो है अपनी चीज़ों को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लड़ के हम लोग अपनी अपने 14 सालों में हम लोगों ने 790 करोड़ रुपए मुआवजा दिलवाया, पुलिस ऑफिशियल्स को जेल भेजा जो है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत पहले आता है, ये शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आप कर सकते, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर आप पहले करते हैं, मानवाधिकार आयोग में नहीं करते, प्रधानमंत्री को नहीं करते, तो चाहे आपसे उनसे राजनीतिक आपकी समझदारी हो या ना हो, हम लोग कौन से लोग हैं, भगत सिंह का याद रखिएगा, लाला लाजपत राय से नहीं पढ़ती थी भगत सिंह की, परंतु लाला लाजपत राय ने इसलिए भगत सैंडर्स को मारा कि उपनिवेशिक ताकत ने हमारे आदमी पर हमला किया था। मोदी पे अगर कोई बाहर से इस तरह हमला करेगा तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हम भगत सिंह की परंपरा के आदमी, यह देश हमारा है, हम जो अंदर बदलाव और बहस करेंगे हमारा मानना है। तो इसको भी समझने की जरूरत है, अगर ये आप समझ गए तब आप जो है ह्यूमन राइट्स की पॉलिटिक्स समझ जाएंगे। कुछ एनजीओ जो है देश से बाहर से एजेंडा सेटिंग भी करते हैं, ये भी बात सच है। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, ये भी गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये भी गलत है, और सब कुछ खराब है, ये भी बहुत गलत है। हम 70 सालों में बहुत बदले हैं, चीजें बदली हैं। हमको अच्छी तरह से याद है जब हम बच्चे थे तो लड़कियां इस तरह से जो है आजादी के साथ निकल नहीं पाती थी, पढ़ नहीं पाती थी। हम किस कॉलेज में पढ़े हैं, कोई एजुकेशन में नहीं थे, उससे पहले गुरुकुल में पढ़े हैं जो है। हम लोग जीवन तो कला है, जीवन साइंस तो है नहीं, तो हमको जो अपनी माँ के साथ जो बातचीत चाची के साथ था, हमको किसी भी जो है अपना मित्र जो है वही ना बनाने में बहुत दिक्कत थी। वो चीजें बदली इस मुल्क में, तो हमको लगता है कि 70 साल में हमने बहुत कुछ बदला है। हम इसको लंदन नहीं बना देंगे, लंदन 150 साल तक लोगों को 600 साल 700 साल तक गुलाम बनाया है, 150 साल पहले का इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो लंदन देख करके भारत को मत बदलिए, भारत को लंदन हम नहीं बनने देंगे, वहां की हम तकनीकी भी लाएंगे और भारत की जो खूबसूरत चीज है अपने साथ लाएंगे। ये हमारा मानवाधिकार और लोकतंत्र का संघर्ष है। कुछ भी अगर आपको पूछना हो और कुछ भी पढ़ना है आप ह्यूमन राइट्स डालिए, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, बहुत कुछ ऑनलाइन है, हम वो चीजें आपको नहीं बताएं। आप 30 जो आर्टिकल्स हैं वो आपके उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों की डिग्निटी की बात, सबकी आजादी की बात, और जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे वो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स, भारत के संविधान का प्रस्तावना जरूर पढ़िए। लोग कहते हैं पत्र निरपेक्ष इंदिरा जी ने जोड़ा, पर तो शांति भूषण ने जोड़वाया था जिनकी अभी
डेथ हो गई है, तो हमने इंदिरा जी नहीं बुलवाए थे, इंदिरा जी की मजबूरी है, शांति भूषण जी उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु जो है फैटर्निटी तो थी, बंधुत्व था, तो बंधुत्व हमारे तरह का पंथ निरपेक्षता है। फ्रांस में एब्स्ट्रैक्ट सेकुलरिज्म है, क्योंकि वहां चर्च ने गलत काम किया, औरतों ने चर्च पे हमला करके पादरियों को भी पीटा, चर्च को ध्वस्त कर दिया, ये भी आंदोलन हुआ है फ्रांस के अंदर। हमारे यहाँ ये स्थितियां नहीं थी, हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती जी जो है आर्य समाज का आंदोलन कर रहे थे, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्त्रियों को लड़कियों को पढ़ने के स्कूल का जो है मतलब प्रावधान कर रहे हैं, जो है ब्रह्म समाज का बड़ा आंदोलन चल रहा था, जो है ब्राह्मणों ने एक तरफ अगर ब्राह्मण बांध दिया है, पुरोहित बांध दिया है, तो लोकायत से लेके न्याय से लेके सांख्य से लेके ब्राह्मणों ने इस देश में समता की बात की, बराबरी की बात की, और खुद आदि शंकराचार्य इसी बनारस में आखिरी ज्ञान दिए जो मानवाधिकार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। एक दिन वो नहा के आ रहे थे, गंगा जी का पानी लेके चांडाल दिखाई दिए, अपनी आत्मकथा में लिखा है आदि शंकराचार्य ने आखिरी ज्ञान, चांडाल को कहे उठिष्ट मतलब उठो संस्कृत में, तो वो नहीं उठे, अब ये कसमों कसमे थे, और तब तक जो है वो महादेव के रूप में प्रकट हुए। कहा क्या प्रपंच बौद्ध शंकराचार्य, तुम जो है अभी भी हम तुम में ब्रह्म हम में ब्रह्म, ब्रह्म को जो है मतलब भेदभाव कर रहे हो। और आदि शंकराचार्य ने लिखा कि हमने जो कुछ भी कहा था अपनी जिंदगी में वो सब व्यर्थ है, ये महादेव का दिया हुआ चांडाल बन के ये ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, सनातन को ये ले लेना चाहिए। अब इसकी बात तो करते नहीं, ये हमारी भूमिका है, तो अगर आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और कभी भी हमको ईमेल भी कर सकते हैं। सर पहले तो मैं बहुत इस चीज खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो आपने पूरा परसेप्शन रखा, और हमारी जो एकेडमियां से बहुत ज्यादा वो मार्जिनलाइज रहता है, हम अपनी 5 साल की स्टूडेंट लाइफ में ग्रेजुएशन और मास्टर्स में अधिकतर देखा है, तो पहले तो थैंक्स आपको कि आपने ये इस तरह से इसको रखा। बट सर जैसे इसमें ह्यूमन राइट्स में है, तो हम लोग कास्ट कॉन्शियसनेस जो है जो बहुत जगह ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन का रीजन बनता है, इंडिया में आज वो पॉलिटिक्स हो चाहे जहाँ भी हो देखते हैं हम लोग सोशल इशूज में भी। तो सर एक जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जब हमने आपने जो ब्रह्म वाली गई, तो पूर्णमेधा पूर्णमेधम का जो कॉन्सेप्ट है, जो सगर बंधु सुखना की बात चर्चा करता है, जो वेद कहते हैं अथर्वेद का है अहमानंद उपानंद, मतलब कि जो सबसे दुनिया में बुरा से बुरा है वो भी ब्रह्म है, जो अच्छे से अच्छा है वो भी ब्रह्म है, जो मैनिफेस्ट है जो व्यक्त है वो भी ब्रह्म है, जो पूरा अव्यक्त है वो भी ब्रह्म है, जो तो जो इतना जो शंकराचार्य वेदांता की बात थी जो परंपरा इस दृष्टिकोण को चर्चा में लाती हो मानती हो, जो तो अगर इकोनॉमिक वे में भी देखें तो जो कास्ट था वो स्किल बेस्ड ऑर्डर था, स्किल बेस्ड ऑर्डर जो आपकी अर्थव्यवस्था में मुगलों तक आने तक 25% आपकी विश्व व्यापार में हिस्सेदारी रहती है। मुगलों ने जब 18वीं शताब्दी के आधे उत्तरार्ध तक जब शिफ्ट किया अंग्रेजों में, तब तक 25% आपकी विश्व व्यापार में हिस्सेदारी थी, और उसका पूरा कोई इंस्टीट्यूशन तो था नहीं, स्किल कास्ट थी। उसके बाद जब अंग्रेज छोड़कर जाते हैं तो 2.7% पर आ जाते हैं, और गरीबी भुखमरी क्या या स्थिति थी सबको पता है। और आज जो कास्ट का कॉन्शियस है हम क्यों नहीं उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर क्या रीजन है कि हमने ना तो अपर कास्ट जो कहा जाता है और ना ही लोअर, दोनों में इतना कंफ्यूजन क्यों है, इसकी स्पष्ट अवधारणा क्यों नहीं कही जाती है कि एक दूसरे के एंटी ना हो के एक दूसरे के कोऑपरेटिव थे, और उसका जो आज वो सिस्टम है वो क्लास सिस्टम में बदल रहा है क्योंकि हमारे पास स्किल जनरेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, देखिए एक चीज समझिएगा, हमने आपको बहुत अच्छी बात कही कि हमने सफाइयां नहीं की, नहाए नहीं, आदि शंकराचार्य कर रहे हैं मेरे सभी ज्ञान, तो आदि शंकराचार्य इसका मतलब इशारा कर रहे हैं कि कहीं कुछ गलतियां मैंने की है, और लोग उनके ऊपर कुछ आरोप लगाते भी है, हम उस संकट पे नहीं रहते, परंतु कहते हैं कि आखिरी ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप ही समझने की कोशिश कीजिएगा, जाति 2000 बुद्ध के समय नहीं थी, 2000 साल पहले तक नहीं थी, और वर्ण व्यवस्था हमें नहीं मानी है, परंतु आप सोचो रूलर को आप इज्जत देते हो कि नहीं, रूलर को इज्जत देते हो ना, कोई भी अभी आ जाए, अभी मुख्यमंत्री जी आ जाए, प्रधानमंत्री जी आ जाए, डीएम आ जाए, एसपी आ जाए, पढ़ने वाले प्रोफेसर की तनख्वाह देख लीजिए, उनको जो इज्जत है फ्रीडम है, अब उसमें कितना संकट हो रहा है, है? और वैश्य जो लोग हैं और उत्पादन करने वाले,
परंतु विवेकानंद ने बात एक कही, किताब पढ़िएगा, शूद्र का राज कैसे शूद्रत्व के साथ आएगा, क्योंकि वो शूद्र जो है सबसे मेहनत कर पैदा करता है चीजों को। और एक चीज याद रखिएगा कि ये एक काम तो सुबह सुबह जो है शूद्र वाला सभी करते हैं, इसलिए सभी लोग सभी में, इसलिए अभी वर्ड ऐसे नहीं बना है। परंतु अगर आप सच बात है आपकी, आप हम देख रहे हैं कि अगर एक वैश्य को बैठा दीजिएगा उसके अंदर क्षत्रित्व और ब्राह्मणत्व का गुण नहीं होगा तो राज्य का क्या करेगा वो हम देख रहे हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जो है। परंतु वो है, वो एक वैश्य है, कि उसका ज्ञान इंडिजिनियस विजडम और ह्यूमन राइट्स को लेके पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसकी डिमांड होनी चाहिए। हमको लगता है कि यहाँ जो कर रहे हैं इसके होना चाहिए। हम लोग जैसे आएंगे पाठ्यक्रम में देंगे करिकुलम पूरी चीजों को मिला के, कैसे है उसका बास कैसे है, किन जातियां बनी पुष्पित शोक के बाद। मनुस्मृति पाणिनि बद्ध ग्रंथ पाणिनि बद्ध व्याकरण में लिखा है, पाणिनि जिससे पहले जातियां नहीं थी और औरतों की ये स्थिति नहीं थी, पूरी औरतों को शूद्र आपने बना दिया। उसमें बहुत खूबसूरत चीजें भी है मनुस्मृति में। परंतु सवाल है कि ये जो फाउंडेशन है, जैसे मैं मोहन भागवत जी की बात से एग्री नहीं करता हूँ, वो सभी पंडितों को और ब्राह्मणों को जो है इस बात के लिए कह सकते हैं, वो कह सकते हैं पुष्पित शोक को। जैसे मैं सभी आरएसएस के लोगों में दीनदयाल उपाध्याय को बहुत प्यार करता हूँ, के सुदर्शन को बहुत प्यार करता हूँ, हेडवार जी को बहुत प्यार करता हूँ, मोहन भागवत जी को बहुत प्यार करता हूँ, पर गुलवर्कर और गोडसे और सावरकर को देख ऐसे देखता हूँ, सोच थोड़ा सा ढला वाली ना हो, रही सही ज्ञान वाली होनी चाहिए ना। हो सकता है कि आरएसएस को सनातनी संस्था बन जाए, आज तक नहीं है, 20 साल बाद बन जाए, हो सकता है इसका प्रयास हो रहा हो अंदर अंदर। तो ये बस सोचिए कि लड़ाई नहीं चल रही है, लड़ाई तो जो है चल रही है, इसलिए तपस्या पूजा की बात हो रही है कि तपस्वी ही दुनिया बदल सकता है, समझ रहे हैं, राज चला सकता है, ये सब बातें हो रही है। और आप इससे घबराने की जरूरत नहीं, मेन है कि अब हमको वर्ड के ऊपर ये नहीं मानना चाहिए, जन्मना नहीं था, कर्म के हिसाब से था, आज भी है। आप सेना को इज्जत नहीं देंगे, सेना पे लगातार सवाल उठाएंगे, दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी ने इसलिए डांटा और मुझे अच्छा लगा पहली बार, जिस आदमी का मैं सबसे बड़ा विरोधी हूँ, समझ रहे हैं। तो परंतु सबसे बड़ी चीज है कि ये जरूरी है कि हमको जो लोग राजकाज कर रहे हैं उनको देना होगा इसे, समझ रहे हैं। आप ही मोदी जी को जितवा के लाए हैं, इसलिए हम मोदी जी की इज्जत करते हैं जो है, क्योंकि हमारे रूढ़ा है। तो इसमें नहीं होना चाहिए, परंतु आप वर्ण व्यवस्था के ऊपर आप हमको लेकर प्राइड नहीं करना चाहिए, जातियों पर तो एकदम प्राइड नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जातियां एकदम टूटनी चाहिए जो है, ये जातियों का रोटी का रिश्ता कायम कीजिए। आने वाले समय मेरे खानदान में तो बेटी का रिश्ता भी आखिरी भाई ने कायम कर दिया जो है, बेटी का भी रिश्ता कायम कीजिए जो है, सब तोड़ दीजिए, सनातन सब एक कर दीजिए जो है। अब ये समय हमारे लिए ठीक नहीं है और द्विजों के लिए तो एकदम ठीक नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे, मैं तो सीधी राजनीति करता हूँ, द्विजों के लिए तो एकदम ठीक नहीं, मुझे तो एकदम सही से समझ में नहीं आ रहा। और आरक्षण हमने पूना पैक्ट में केवल एससी और एसटी को दिया है, जब तक जात खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण रहेगा। ओबीसी को हमने आर्थिक आधार दिया, 40 साल बाद उसको उसमें भी दर्ज चलेगी, बस अंदर अंदर चल रही है। और किसी एससी एसटी को तब तक जो है मिलेगी तब तक वो है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन गांधी जी क्या बोले, गांधी जी से रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड है सर। नहीं हमारा वो है डॉक्टर सर, सर गांधी जी संतान के लिए सबसे बड़ी विपत्ति मानते थे डॉक्टर्स को, वकील को और भारी उद्योग को, और अगर गांधी जी आज होते तो मुझे लगता है कि वो ह्यूमन राइट्स के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। और आधुनिकता की दौड़ में हम दौड़ते हुए गांधीवाद को कहाँ भूल गए हैं सर, क्योंकि गांधी जी भारी उद्योग और डॉक्टर और वकील को बहुत बड़ा भेद मानते थे संतान के लिए। तो इस विषय में सर केवल गांधी बच जाएंगे, ये ऐसे जाए दक्ष प्रजापति एक समझदारी थी, महादेव एक समझदारी, बहुत पुरानी लड़ाई, हम दक्ष प्रजापति फेल, समझ रहे हम महादेव की परंपरा के आदमी हैं, जिसको गांधी जी वैष्णव होके, दो वैष्णव बड़े खूबसूरत थे, एक कवि और एक गांधी, हम देखे हैं सर्वाधिक आदमी है। तो हम जो है ये दो वैष्णव बहुत अच्छे आदमी थे, तो उन्होंने आगे चलाया और देश में छोटे लघु उद्योग होने चाहिए, हमको अंधा दौड़ के रूप में युग के हिसाब से नहीं मानना चाहिए, हमें हर चीज करना चाहिए। और मैं कैलाश सत्यार्थी को बहुत सी चीजों पर क्रिटिक करता हूँ, मेरे एक्स बॉस रहे हैं, नोबेल प्राइज पाए हैं, परंतु हम और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम दुनिया के किसी भी यूएन के बड़े से बड़े उसमें गए बिना कुर्ता के नहीं है, ज्यादा बोलेंगे तो धोती पहन लेंगे, हमारी आधुनिकता हमारे दृष्टिकोण में वसुधैव कुटुंबकम की है जो आप कह रहे हैं, तो उससे हमको सीधा अंधा दौड़ में नहीं जाना चाहिए। और गांधी और गोडसे भी एक समझदारी है, हमको गोडसे जो है मुसोलिनी और हिटलर का जो है
दुरात्मा उसके अंदर घुस गई थी, इसलिए हमको योग के कालमार्स को और माओ को भी बाहर करना है, इसलिए हम मुसोलिनी को भी बाहर करना है। बात समझ रहे हैं? भारत को भारत की तरह देखना। सर आपने एक सेंटेंस बोला था कि जो मानवाधिकार आयोग है वो बिना दांत का है परंतु है बहुत शक्तिशाली, और सर उसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। सर हम उस उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं जहाँ सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हमने सर देखी, और उसके बाद सर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो, तो सर इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे आए थे, गोली मार रहे थे, एनकाउंटर कर रहे थे, एकाएक एनकाउंटर बंद क्यों, काम क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और हम जैसे संगठनों ने अंदर की तरफ काम किया, कुछ लोगों ने वो अलग सब हम बता रहे एजेंडा सेटिंग की है, समझ रहे? तो कुछ लोगों को मुसलमानों से घृणा है, कुछ लोगों को योगी से घृणा है, समझ रहे? कुछ लोगों को राहुल गांधी से घृणा है। जब वो राज करते हैं तो उसके खिलाफ वाली जो फोर्सेज होती है वो एजेंडा सेटिंग करती है। भारत यूपी की आजादी आबादी बहुत ज्यादा है तो मानवाधिकार हनन भी ज्यादा है, और एक मुख्यमंत्री आकर के अगर बोलेंगे कि एनकाउंटर की है तो उनको समझाया गया कि ये जो है लाख परंपरा नहीं है, सनातन की परंपरा नहीं है, ये भारतीय परंपरा नहीं है, हम रिफॉर्म की परंपरा है, हम बदल सकते हैं। अब अगर उस हिसाब से देखें तो बचपन में तो मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ, मेरा चाचा तो माफिया के देश से, तो मैं मतलब सुधर ही नहीं सकता, मतलब इसका मतलब तो ये तो गजब है। मैं मुझे आप मौका दो सुधरने का ना, औरतों से कैसे माफी मांग सको, दलितों से कैसे माफी मांग सको, सब पैसा मैं अनुसारों के लिए लगा रहा हूँ। तो जब तक ये सुधार की प्रक्रिया होती है रिफॉर्म की, एक तो हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये योगी जी की जो बोले थे उसके कारण यहाँ कस्टोडियल डेथ बढ़े, पर आबादी के कारण भी कस्टोडियल डेथ हमारे यहाँ ज्यादा है। पर अभी महाराष्ट्र का फर्स्ट नंबर पे आ गया है, एनएचआरसी और एनसीआरटी की जो रिपोर्ट है इस साल, एक ही साल इतना का दौर। कश्मीर का मामला बहुत अलग है, कश्मीर का मामला जब तक इस्लामिक आतंकवाद और भारत में एक फांसी वाला है, ये दोनों का वारा यहाँ नहीं होगा तब तक कश्मीर का मुद्दा हल होना नहीं। राहुल गांधी को हम लोगों ने कहा था, वो यात्रा में गए, एक माहौल बना है, मिनिस्टर के लोग आए हैं। दूसरी चीज है कि ये मामला भारत और पाकिस्तान जब बटा दोनों तरफ लाखों लोग मारे गए, उनसे कभी क्षमा नहीं मांगा गया जो है, और ये बना है 1936 में इलेक्शन होता है, अंग्रेज कराते हैं, दो पार्टी मिलकर एक पार्टी के खिलाफ लड़ती है, उसके अंदर दो पार्टी जो है वो हम नाम नहीं लेंगे तो बहुत राजनीतिक हो जाएगा, वो मिलकर पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित करते हैं, सिंध की असेंबली में उसी को अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं, गांधी नहीं। और उसके बाद जो है वो एक दिन पहले उनको आजाद कर देते हैं, हमको एक दिन बाद कर देते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में भारत दो है, एक तो भारतवर्ष सबको नेशन स्टेट मिला है, एक हमारा भारतवर्ष कल्चरल इकाई है जो ईरान बॉर्डर से लेकर बाली तक है, और वो हम उसको भी संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले 50 साल बाद जब इस देश में हम फांसीवाद का लड़ा नया कर रहे हो और रियल सनातन लोकतंत्र ला रहे हो, तब जो है ये सनातन लोकतंत्र जिस तरह का काम करेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सूफिज्म चला के हम उनको भी अपने साथ समाहित कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि बर्लिन की दीवार टूटी होगी, क्योंकि मेरा संगठन पाकिस्तान में काम कर रहा है, और पाकिस्तान में 2 साल पहले हमने संघर्ष करके हिंदू कोड मैरिज कोड बिल लिया है, शरीयत मदीना कॉन्स्टिट्यूशन कि तुम मदीना कॉन्स्टिट्यूशन मोहम्मद साहब का मानते हो कि नहीं। तो ये सवाल है कि आपको चीजें बदल रही हैं, और कश्मीर में स्थितियां बदली हैं, होप्स निकली हैं, अगुवाएं एक एजेंडा बनाए, वहां इलेक्शन हो जाए, असेंबली बन जाए, तो अपने आप मानवाधिकार के हनन का हम हो जाएंगे। वहां 3 तरह के ताकते हैं दोस्तों, एक प्रो पाकिस्तान, एक प्रो इंडिया, और तीसरा इंडिपेंडेंट जो हम जैसे है, और सबसे ज्यादा बदमाशी जो पाकिस्तानी वाले करते हैं, जो सब आतंकवादी टाइप के आदमी है, बंदूकबाजी चलाते हैं, हमारे लोग भी बदमाश है जो इंडिया में जो आजकल जो सरकार है वो अपने हिसाब से सोचती है, परंतु सब लोग ऐसे नहीं है। इंडिपेंडेंट लोग 60 से 70% 60 से 70% ताकत बड़ी होती है कश्मीर, इसीलिए एक जगह जब यात्रा पहुंची लोग सोच रहे थे 540,000 लोग, 40,000 आप अंदाजा नहीं लगा सकते, तो कुछ ना कुछ हो रहा है। और कश्मीर को यार महादेव के सुन और इस्लाम की फना की धरती है, वो है उनको हमारी धरती है, आप क्या कर रहे हो ह्यूमन राइट्स के लिए उसके बारे में?
हम लोग तो बनारस के अलावा भी काम कर रहे हैं, बनारस में लोग दोस्त और अभाव में मुसाफिर की आदमी होती है, उनके साथ काम करना बड़ा यूनिक काम है उनका। हम लोग के ए बी नॉलेज एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस को मैपिंग करते अनुसूचित जाति के सबसे आखिरी ग्रुप है और 5 लाख के आसपास सरकार करते हैं करीब 11 लाख स्टडी और वो उनको हमें इससे पता गांधी जी का एक जनता था कि अगर आपके पास कोई भी पैसा हो कोई भी संसाधन हो तो आखिरी आदमी भी लिख दीजिए। तो हमने लगा कि आखिरी आदमी मुसाफिर है यहाँ पे, तो मुसाफिरों को हम लोग मदद करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी संस्था क्या करेगा कि हमारी संस्था में हमारी जो संस्था है जनमित न्यास और मानवाधिकार जनता की न्याय समिति उसमें 98% महिलाएं हैं और नाम अपर कास्ट कोर्स पर हम इसको बनाया था अपर कास्ट कोर्स। तो ये एक तरह से रिकॉन्सिलिएशन मूवमेंट है, मतलब क्षमा याचना है जाट व्यवस्था के खिलाफ पीड़ित सत्ता है और इसलिए हम अपना बड़ा पैसा उसमें लगाते हैं और उनको जो है पढ़ने का पैसा लड़कियों को पढ़ने का पैसा देते हैं मुसाफिर 130 लड़कियों को हायर एजुकेशन। दूसरा हम लोग एक फेलोशिप भेजते हैं, हम आपको फिर शुरू होने जा रही है अगस्त के बाद हम बताएंगे, जिसमें हम 1 हफ्ते के लिए नावे 4 महीने के लिए जो है नेपाल 4 महीने के लिए इंडिया रहने का जगह देते हैं 15,000 रुपये का छोटा पैसा देते हैं खाने पीने का महीने का और सर्टिफिकेट देते हैं नावे की सरकार के साथ। तो ये हम लोग हर साल करते हैं कोविड में भी रुका था, कोविड में हम लोगों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है सरकार को 1,500 से ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए, लाखों जो है मास्क और चीज़ें दी और लोगों ने 9 दलित खाना 9 दलित भोजन शुरू किया ब्राह्मण महासभा और जन न्यास करके, जिसमें खाना दलित बनाएगा वॉलंटियर्स मुसलमानों और दलितों को और सबको बांटेंगे ब्राह्मण महासभा के लोग जो है, जिससे कि रिकॉन्सिलिएशन हो। तो हम लोग कराने का काम है, हम लोग कराने का काम है जो ये और मुसलमानों का आप देखेंगे कि चल रहा है हमने शुरू किया 4,000 किलो इस बार सभी पैदा किया है मुसलमानों के और दलितों ने 4,000 किलो जो है 3 जिले और उनके बाद हम लोगों ने उनको पब्लिक से जैसे हमको कुछ पैसा हो जाता है हमारे पास दूर का पैसा 3,000 साल का है तो हमने उस पैसे में से पैसा लगाया है अध्यक्ष का लगाया है पत्नी के पास भी क्यों फिर एक बड़ी बात है उसका हम कभी करेंगे वो सोचता थी वो सोचो सोचता थी पर हम जो है अब वो पैसा हो गया तो हमने पब्लिक से 5,000 लगा दिया मालिक बना दिया उसको ठाकुर के कुआं की जगह फिर चल दीजिए देखें मुसाफिर होता अब उससे अपर कास्ट भी ओबीसी भी सब लोग उससे जो है पानी ले रहे हैं कि एससी का बंदा कास्टों का बाप दूसरा बच्चों के पास है खेलना जिसको आना चाहे वो आगे जो है ये भी काम कर रहे हैं। पुलिस उत्पीड़न का काम कर रहे हैं, टेस्ट मलेरिया थेरेपी बनाया है जिसको पूरे एशिया में यूज किया जा रहा है जो है टेस्ट मलेरिया थेरेपी डीप मलेरिया थेरेपी जिसको कभी बड़ी डिस्कशन हो सकती है। इसके फोर सेशन पे हर साल 150-200 लोगों को हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर रहे हैं लीगल सपोर्ट करते हैं पुलिस वालों के जेब से उन्होंने रिप्रेजेंट किया उनसे पैसा निकलवा के कंपनसेशन देते हैं वो हमारे खिलाफ हर साल 2-4 केस कर देते हैं हाई कोर्ट में चलता रहता है जो है औरतों को मदद करते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की है। अभी हरे कृष्णा से लेकर के हम लोगों ने जो सिखाई उसी में से 50 औरतों को दिया जो सीनियर्स की तो वो अपने में बढ़ सके ऐसे नहीं खराब नहीं उसमें जो महिलाएं खुद खड़ी उनको हम लोग थोड़ा मदद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आप देखें जो बदवा काला लायक जगह है जहाँ हमारी बहन को वो में बहाया जाता है बच्चे छोटे बने आते हैं तो हमने वहाँ लड़कियों के लिए काम किया क्योंकि हमारा यूनिवर्सल नाम आ रहा था तो अब वहाँ की लड़कियाँ पहली बार पढ़ना शुरू की यहाँ तक लड़के भी पर हम लड़के उतना आगे भी नहीं कर पाए कि लड़कियाँ वहाँ से निकल के नॉर्वे गई हमारे संस्थान नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर भी इंजीनियर भी और वकील जो है वो भी काम कर रहे हैं क्योंकि उसमें व्यक्तिगत पैसा नहीं लगा जा रहा पूरी मेरे मेरा की बहन एक समर्पण है वो भी काम करने के साथ साथ करते हैं। दूसरा काम है कि कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट में जो भी पीड़न हो रहा है उसको ले जाने का काम हम लोग करते हैं सरकार के साथ हमारी पकड़ मोदी जी के साथ भी उतनी है जितना राहुल गांधी आपके नाम की चीज कहानी जाना चाहेंगे। तो
हर 790 करोड़ रुपए का मदद सेशन मिला है। 200 गांवों को जान मार सूत्र नहीं कि फूडर स्ट्रक्चर तोड़ चुके हैं, औरतें निकल के संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जो साथ गाँव के लोग हैं जो खड़े होकर चला रहे हैं। अब हमारा बहुत ज्यादा रोल अपनी संस्था में नहीं है, मैं चिकित्सा क्योंकि मैं पैसा लाता हूँ जो है, और हमारी संस्था को एशिया का सबसे बड़ा जो है बारहवीं यूनाइटेड अवार्ड्स जो रमन मैग्सेसे से बड़ा माना जाता है, बाइबल्स का जो है जर्मनी का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड, इस अवार्ड के बारे में यही बता दें कि नोबेल विनर खड़ा हो और बाइबल अवार्ड ही हो तो जर्मन की सरकार जर्मन के लोग बाइबल को भी मानते हैं उसको नहीं। मैंने सिटीजनशिप मिलेगी जर्मनी की बोली किन हिसाब से, क्योंकि मैं मेरा मानना है मैं जो काम कर रहा हूँ महादेव कर रहा हूँ ग्लोबली है, और आने वाले समय में हम लोग अभी काम शुरू किया है न्यूजीलैंड के साथ, मक्का मदीना के साथ, पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है क्रिश्चियनों के साथ, बांग्लादेश में काम कर रहे हैं हिंदुओं और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है साउथ एशियन में, और आजकल पैकेट फूड पे फ्रंट ऑफ पैकेट डिलीवरी होना चाहिए जो नॉन कॉम्पिटेटिव डिजीज से 70% डेथ हो रही है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो एक ही साल के अंदर हम लोग उसको लाभ ले आए हैं, जल्द ही वो लागू होने जा रहा है। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं पार्लियामेंट्री साथ, जो नाम की बात की है बाबा हमारे गांधी भारती थे और हमारे चाचा जो पाकिस्तान में शहीद हुए थे, मेरे पिताजी कांग्रेस थे जो है, तो पिताजी कांग्रेस थे तो सनातन पितृसत्तात्मक सनातन जो है पिताजी नाम रखते हैं, पिताजी हमारे भाई को मेरे नाम ले स्टालिन राहुल छे हमने तो उनके रात में धोबी भी मेरी थी इज्जत थी, उनकी बात सुनी जा सकती थी, ये भी एक तर्क है। तो हमने जो है उनका नाम कवि और कावे कावे बुद्ध का नाम है, कावे नाम के पीछे जो है नाम ने क्योंकि पिता से मोहब्बत है क्योंकि सनातनी है, पिता के खिलाफ कर नहीं सकते, एक लेवल से जाए बाहर के विरोध नहीं कर सकते। ये आपने अभी कहा कि मैं गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन सावरकर का नहीं मानता है। लेकिन सर अगर हम गांधी जी और सावरकर को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि गांधी जी भी सावरकर को बहुत मानते हैं। जैसे एक बार रत्नागिरी में जब अंग्रेजी सरकार हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, हमने आपको कहा कि भगत सिंह पर रखाते हैं जो राजनीतिक प्रतिरोध और विरोध हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुए हैं, मैं एक बात कहता हूँ मेरा बाहर दुनिया में बहुत कर रहा है बहुत ज्यादा, अगर मैं यहाँ के रहता हूँ कम से कम 10 देश के पार्लियामेंट में सवाल पूछ सकता है। महादेव और काशी का तंत्र बहुत लंबा चौड़ा है दुनिया में जो पहले, इसलिए मोदी को यहाँ आ रहा, परंतु आपकी समझने की कोशिश की है सावरकर जी को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पर सावरकर जी का जो कहना था कि 1920 से पहले बिना गाय खाए हिंदू जो है सुधर नहीं सकता, मैं इससे पक्ष समझ रहे हैं। एक दिन किसी ने मुझे चिकन खिला अरे मटर खिला कह दिया, बीफ का 3 दिन बीमार हो गया, तीसरे दिन जब लंदन से बोला बर्लिन में अरे वो तो मटर खाता हूँ मेरे कपड़े तो अपने आप आगे जा रहे हैं, संस्कार भजन मार दूसरी चीज है कि उन्होंने कोई भी आदमी जो कहता हो कि यह देश दो हिस्से में बटे मैं हमारे को मैं पाकिस्तान को देश नहीं मानता, आप इससे हमसे खिलाफ कर सकते मैं इससे पाकिस्तान में जाता नहीं और आईएसआई मेरे पीछे पड़े समझे, तो आप इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत कुछ होता है, मतलब मेन मानना है सावरकर जी की भी इज्जत करते हैं, भूषण की भी इज्जत करते हैं, जी बोलते हैं मोदी जी की भी इज्जत करते हैं, पर हम जितनी इज्जत गांधी की करते हैं और जितनी इधर भगत सिंह जी करते हैं या जितनी इधर हेडवा साहब जी करते हैं और जितनी इधर दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग का अनुवाद और देश दर्शन का करते हैं उतनी बात आप समझ गए, राजनीतिक प्रतिरोध हमारे हो गए हम उनसे कैसे मना कर सकते हैं, क्या क्या हमारे हो गए ना, अब आप कहोगे बचपन वाले लेने से हम बहुत बड़ा जैसे बहुत थोड़े रह गए बचपन वाला लेने को कभी मौका नहीं मिला बदलने का, परिस्थितियां थी हमने
डॉक्टर भी महान आदानी बन गए। कोई सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सार्वजनिक और मैं कहूँगा कि मुझे लगा सैद्धांतिक पक्ष नहीं रहेगा, इसमें व्यवहारिक रहेंगे क्योंकि कार्यकर्ता है और काफी व्यापक स्तर पर काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने रोचकपूर्ण ढंग से हमको मानवाधिकार के बारे में बताया वो बहुत आकर्षक लगा हमें, और हमें लगता है कि कुछ चीजें बहुत सहज भाव से हम सीख जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, यदि हम इसको बहुत शब्दों के आडम्बर में चीजों को हम पढ़ने के समझने की कोशिश करते तो हमको नहीं आता, ऐसा लगता है बहुत ही मुश्किल है ये विषय, लेकिन मानवाधिकार को जिस प्रकार से सर ने समझाया मुझे लगता है कि वो बहुत एक स्टूडेंट फ्रेंडली सभी लोगों को जिनको नहीं मालूम वो भी समझ जाएंगे, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु सर ने जो हमारे सामने रखा वो रखा भारतीय परिवेश, आजकल सारे जितने भी दृष्टिकोण है अभी हाल ही में विदेश नीति पर एक हमारी वो भी इंडिक पर्सपेक्टिव से है, भारतीयकरण कैसे आप विदेश नीति कर रहे हैं, इसी प्रकार से मानव अधिकार अधिकारों को समझने की कमी है, क्यों हम पाश्चात्य दृष्टिकोणों से इन चीजों को समझें, क्योंकि एक बीइंग ह्यूमन वी हैव सर्टेन राइट्स, कुछ अधिकार हमारे हैं, तो ये हमारे यहाँ की जो परंपरा है उस ट्रेडिशनल परंपरा में उस प्रकार का रहा है, बुद्ध से लेकर अशोक से लेकर पूरा हमारे यहाँ परंपरा है, तो मेरा मानना है कि सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक इंडिक पर्सपेक्टिव भारतीय दृष्टिकोण के नजरिए उनको मानव अधिकारों को समझाने की कोशिश की, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये भी कहूँगा कि सर आगे भी आप से जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें हमारे इस ह्यूमन राइट्स कोर्स के लिए, और हमें हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रियंका सिंह जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और सर का धन्यवाद करता हूँ। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब सर ने आपका नाम बताया कि मैं दिल्ली सर को बुलाना चाहूँगा तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल नाम से कि पूरा वो लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव से वो चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि हमें एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों का नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से आपने अपना व्याख्यान दिया मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट इस बात से एग्री करेगा कि ये इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर था जिसकी हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ह्यूमन राइट्स हम किस तरीके से भी समझ सकते हैं, आपने जिस तरीके से भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति को जिस तरह से समझाया कि आज के दौर में अगर हम देखें तो ह्यूमन राइट्स के नाम पर जिस तरीके से वॉयलेंस हो रहा है इसको एक तरीके से मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है वेस्टर्न पावर्स, लेकिन आपने जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू रखा है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वो हम सबको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कोर्स में हम जो है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दो अप्रोच हम स्टूडेंट्स को बताएंगे, थियोरेटिकल अप्रोच जो है जिसमें कि हम जो है डिफरेंट वेव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीज़ें हम इनको बताएंगे, लेकिन थियोरेटिकल से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें, जिसका कि आपने आज एक ग्लिम्स किया है जो कि बाद में स्टूडेंट्स जो है वो हम सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है हमारे स्टूडेंट्स को अपनी संस्था में एक बार विजिट ज़रूर कराइए ताकि इन्हें जो है कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, क्योंकि ये कोर्स जो है ये वैल्यू एडेड कोर्स है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम इनको ये बताना चाहते हैं कि क्या इसके प्रैक्टिकल इनके यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल बताते हैं जो कि शायद एग्जाम देने के बाद भूल भी जाते हैं, लेकिन हमें इनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम और इतने अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स को जो है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना उनको बताना और वो भी इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से, तो ये अपने विभाग की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और Thank you so much, sir. And thanks to Dr. Agesh Veena, sir, who is the coordinator of this course, Dr. Swati Sridhar, and Dr. Swati Sridhar, for coordinating all of this Buddhist program. So thank you, everyone, and most importantly, all the students. Thank you all.